हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस पर अब डेली अपडेट होता है। आज 13 दिसंबर 2018 वार गुरुवार। यह करंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज, हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फोर्थ पार्टनर्स फोरम इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चौथे भागीदार फोरम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर राधा मोहन सिंह लॉन्चेज ए पोर्टल एनश्योर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन EDEG डेवलप्ड बाय नाबार्ड एंड ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने नाबार्ड द्वारा विकसित और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के तहत संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन EDEG पोर्टल एनश्योर लॉन्च किया। नेक्स्ट, होम मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए ट्विटर अकाउंट नेम्ड @cyberdost टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स एंड नॉर्मल प्रिक्वेशंस टू बी टेकन। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों और सामान्य सावधानी बरतने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए @cyberdost नामक एक ट्विटर खाता लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन यूनियन वाज इनॉग्रेटेड एट द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोपियन स्टडीज DES एट मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन न्यू दिल्ली बाई एम्बेसडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन EU टू इंडिया एंड भूटान थॉमस कोजा वस्की। यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित उत्कृष्टता के भारत के पहले जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भारत और भूटान के लिए यूरोपीय संघ EU के राजदूत द्वारा थॉमस कोजलोवस्की द्वारा नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के मणिपाल अकादमी में यूरोपीय अध्ययन विभाग DES में किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एन इंटरनेशनल बॉडी सेट अप टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इजराइल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का एक पूर्ण सदस्य बन गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के अन्य खतरों से निपटने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बन गया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। सस्सा बाजिन कोच ऑफ द वर्ल्ड नंबर 5 नाओमी की ओसाका हैज बिकम द फर्स्ट इवर रिसिपियंट ऑफ द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। विश्व नंबर 5 नाओमी ओसाका के कोच सस्सा बाजिन महिला टेनिस एसोसिएशन WTA कोच ऑफ द ईयर अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। नेक्स्ट, मणिपुर गवर्नमेंट ऑनर्ड AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट MC मैरीकॉम विद द टाइटल मिथो इलिमा पार एक्सीलेंट क्वीन एट ए फंक्शन इन इम्फाल मणिपुर। मणिपुर सरकार ने इम्फाल मणिपुर में एक समारोह में मिथो इलिमा उत्कृष्ट रानी शीर्षक के साथ AIBA वर्ल्ड महिला मुक्केबाजी स्वर्ण पदक विजेता MC मैरीकॉम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी हु वाज मर्डर्ड
इन अक्टूबर 2018 एट हिज कंट्रीज इस्तानबुल कंसुलेंट हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अलोंग साइड सेवरल अदर जर्नलिस्ट। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी, जिनकी अक्टूबर 2018 में उनके देश के इस्तांबुल वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी, उन्हें कई अन्य पत्रकारों के साथ टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड शशिकांत दास एज द न्यू आरबीआई गवर्नर ए डे आफ्टर उर्जित पटेल रिजाइंड एज आरबीआई गवर्नर। ही इज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उर्जित पटेल के आरबीआई के गवर्नर के रूप में इस्तीफा देने के एक दिन बाद सरकार ने नए आरबीआई गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन इंडियन बैंक फॉर वायोलेटिंग साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, ऑप्टोरिज निधन। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर केरला मिनिस्टर सी एन बालकृष्णन पास्ट अवे इन कोची ड्यू टू निमोनिया। ही वाज 87 ईयर ओल्ड। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केरल मंत्री सी एन बालकृष्णन का निमोनिया के कारण कोची में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें, यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।